मूर्तिजापूर नगर परिषदेने दिव्यांगांना दिवाळीपूर्वीच त्यांचे हक्काची निधी द्यावा. नगरसेवक द्वारका प्रसाद दुबे. शहरातील नगर परिषदेचे नगरसेवक तथा माजी नगराध्यक्ष द्वारका प्रसाद दुबे यांनी अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांना निवेदन देऊन मूर्तिजापूर नगर परिषद अंतर्गत येणाऱ्या सर्व दिव्यांगांना मिळणारा 2021 आणि 2022 वर्षाच्या निधी देण्यात यावा व सर्व दिव्यांगांना निधी देऊन त्यांची दिवाळी हा सण अंधारात जाऊ देऊ नये याकरिता दिवाळीपूर्वीच त्यांना त्यांचे हक्काचा निधी देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. शहरातील नगरसेवक तथा माजी नगराध्यक्ष द्वारका प्रसाद दुबे यांनी पाठवलेल्या निवेदनामध्ये सांगितले की मूर्तिजापूर नगर परिषद अंतर्गत 5% दिव्यांग निधी फक्त थोड्याच दिव्यांगांना दिला आहे. काही बँकांनी कागदपत्रे नंतर दिल्यानं त्यांना हा निधी मिळाला नाही. या निधीकरिता दिव्यांग बंधू नगरपालिकेत दररोज चक्रा मारतात व निराश होऊन परत आपल्या घरी जातात. दिव्यांगांना जर त्यांचे हक्काचा निधी दिवाळीपूर्वीच मिळाला नाही तर त्यांची दिवाळी अंधारात जाईल म्हणून जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी मूर्तिजापूर नगर परिषदेला आदेश देऊन दिव्यांगांना निधी वाटप करावा व नगर परिषद प्रशासनानं सुद्धा वांग्याचं दिव्यांगाच्या हिताच्या प्रश्नाकरिता प्राधान्य द्यावे. नगर परिषद नगरसेवक तथा माजी नगराध्यक्ष द्वारका प्रसाद दुबे यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांना निवेदन देऊन अशी मागणी केली आहे. अपने मूर्तियापुर नगर पालिका में जो अपंग लोगों की अर्जा है उसमें से 200-250 लोगों को दिए हुए पैसे नगर पालिका ने और जो ज़रा लेट हो गए उनके अभी निधि देने की है. पालक मंत्री के एकदम कड़क निर्देशक सूचना होने बाद भी नगर पालिका अपंग लोगों को निधि दे रही है. अभी नहीं कुछ तो 15 लाख के नहीं नगर पालिका को देने पड़ता. और सबसे ताजुब की बात तो ये है यहाँ पे नगर पालिका की मूर्तियापुर की नगर पालिका बोर्ड का भी अजब गजब कारोबार में है. फेमस हो गई जैसा ये मोराजी चौक में उड़ानपुर बोला है. और यहाँ पे जो अपंग लोग है अपंग लोगों को दूसरे मजले में जाने पड़ता कुछ भी कागज देने का है या कुछ पूछताछ करने के लिए. तो ये तो मेरे को दिख रहा नगर पालिका का प्लानिंग दिख रहा कि अपंग नगर पालिका में आए नहीं करके इन्हें जानबूझ के ये ऑफिस दूसरे मजले पर रखे. ये तो सरासर बहुत गलत है. ये अपंग लोगों पर अन्याय कर रहे एक तरह से. तो मेरा यही बोलना है कि जो भी दिव्यांग बंधु है उनकी जो भी उनके हक में उनका हक बनता है उनकी जो भी निधि होती है वो निधि उनको देके उनको उसका लाभ देने को ना. बहुत परेशानी में है वो यहाँ आके अब कल तो एक दिन आके यहाँ रोया तो बहुत खराब लगा. फिर मैंने कभी जाके उसके बारे में ये अपंग बारे में निधि मिली बना करके ये बनाया. और जैसे कैंसर ग्रस्त है मूर्तियापुर नगर पालिका उनको पैसे दे दी थी. अभी 2 साल से कैंसर ग्रस्त के यहाँ पे अर्जे आके पड़े हैं तो वो भी कम से कम 15 लोगों की अर्जा है. उनको भी नगर पालिका पैसे दे रही नहीं. आशा पे रख रही क्या हो देंगे किसको आशा पे रखना बहुत गलत है. ये तो ये नगर पालिका ने अपने कामकाज में सुधार करने बोला. बच्चू बहु कड़ू को मैंने निवेदन दिया. बच्चू बहु कड़ू बोले तो जो अपंग लोगों के बारे में उन्होंने बहुत काम किए. आज बच्चों को हमारे जिले के पालक मंत्री है उनके पालक मंत्री जिले में ये अपंग लोगों का अन्याय हो रहा. तो मेरी बच्चू बहू जी विनंती है कि जो भी मूर्तियापुर में कारोबार चालू है कारोबार में जल्दी से जल्द सुधारना करें.